चलो देखिए, वेरिएबल सब वेरिएबल हमने ऑलमोस्ट खत्म किया था, और जिसको कहीं पे डाउट होगा ना उसमें, वो मुझे मैसेज करेगा कि मुझे यहाँ पे डाउट है, मैं उसको डाउट क्लियर करूंगा। आज जो मुझे पढ़ाना है ना, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन्स आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड टॉपिक, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड टॉपिक, कि अगर हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होगा किस किस मेथड से निकालेंगे। सबसे पहला मेथड जो हमने पढ़ा ना, दैट वाज वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में हम वेरिएबल सेपरेट करते थे। आज जो हमें पढ़ना है ना, दैट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस में हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और लास्ट में उसमें भी वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। याद रखना, वेरिएबल सेपरेबल इसमें भी करना है लेकिन लास्ट में करना है। पहले कुछ स्टेप्स है जिनको मैं सिखाऊंगा। टॉपिक हमारा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन सबसे पहले आप सीखेंगे व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होती है, लेट्स अब पहले देखेंगे व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, मैं होमोजीनियस फंक्शन सिखा रहा हूं, फिर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। होमोजीनियस फंक्शन देखो डेफिनेशन इसकी क्या है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कमा वाई, मीन्स डबल वेरिएबल फंक्शन है, मीन्स इसमें वेरिएबल्स दो है एक्स एंड वाई, इज सेड टू बी the homogeneous function, the homogeneous function of degree n if f of lambda x comma lambda y is equal to x lambda power n f of x comma y. This is the definition of homogeneous function. Means एक function को हम तब बोल सकते हैं it is homogeneous. इस function को मैं तब बोलूंगा it is homogeneous function of degree n if यहां x है ना, यहां y है ना, अगर मैंने इन x एंड y के साथ कोई स्केलर अप्लाई कर दिया, मीन्स स्केलर टाइम्स x, स्केलर टाइम्स y, वो स्केलर फंक्शन से बाहर आएगा और उस स्केलर पे पावर n आएगा और वापस में आपको f ऑफ x कामा y वापस मिलेगी, तो फिर हम इस f ऑफ x कामा y या इस वाले को बोलते हैं इट इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, जो यहां लेमडा है ना, मतलब कॉन्स्टेंट, छोड़िए स्केलर, कॉन्स्टेंट के ऊपर जो पावर है ना वो पावर n है, मीन्स इट इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, जो कॉन्स्टेंट पे पावर होता है वही होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होती है। मतलब करना क्या है आप सीखेंगे अभी, दैट इज एक फंक्शन हमें होमोजीनियस कब होगी। अगर मेरे पास फंक्शन f ऑफ x है और मुझे चेक करना है इज इट होमोजीनियस, मैं क्या करूंगा, इस x के साथ मैं लैम्डा अप्लाई करूंगा, y के साथ भी लैम्डा अप्लाई करूंगा, और वो लैम्डा फंक्शन से सीधे बाहर आएगा, अंदर खाली बचेगा f ऑफ x कमा y, बन गई होमोजीनियस। फिर जो इस लैम्डा का पावर होगा ना वही इस फंक्शन की डिग्री होती है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। देखिए फंक्शन ये है f ऑफ x कामा y इज इक्वल टू x प्लस वाई, चेक वेदर इट इज होमोजीनियस आर नॉट, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, इज इट ए होमोजीनियस फंक्शन आर नॉट। आपको वही चेक करना है क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। अब सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसमें इस तरह करेंगे, देखो करना क्या आपको, लैम्डा अप्लाई कीजिए, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा वाई इज इक्वल,
यहाँ x था, x रिपीट हो रहा है, y y रिपीट हो रहा है, यहां मैंने x के बदले लेमडा x ले लिया, यहां पे भी आएगा लेमडा x प्लस लेमडा y, x के बदले लेमडा x, y के बदले लेमडा y, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, लेमडा, लेमडा कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस y, व्हाट इज x प्लस y इक्वल टू, सर x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x y, मीन्स लेमडा टाइम्स f ऑफ x y, लेमडा सारा बाहर आ गया और लेमडा के ऊपर पावर क्या है, कुछ नहीं मतलब वन, मैंने f ऑफ लेमडा x इस फंक्शन में f ऑफ लेमडा x लेमडा y अप्लाई कर दिया और लास्ट में मुझे मिला लेमडा पावर वन f ऑफ x y वापस, मीन्स यहां इसको ट्रीट कीजिए लेमडा x लेमडा y, लेमडा बाहर f ऑफ x कमा y, चेक करो लेमडा f ऑफ x कमा y, f ऑफ लेमडा x कमा लेमडा y इज इक्वल टू लेमडा पावर वन f ऑफ x y, मीन्स यस दिस फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री वन, ऑफ डिग्री वन, हम इस तरह भी देख सकते हैं, सर इसकी डिग्री वन, इसकी भी डिग्री वन, ये एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, इसकी भी डिग्री वन, इसकी भी डिग्री वन, इनकी डिग्री सेम है ना, होमोजीनियस ऑफ डिग्री वन, लेकिन प्रूव हम इस तरह करते हैं, चेक हम प्रूव नहीं है, चेक हम इस तरह करते हैं, सॉरी चेक हम इस तरह करते हैं, होमोजीनियस की डेफिनेशन आप लिखेंगे, मैं एग्जाम्पल दूंगा, इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको सबसे इजीएस्ट बोला, इसके बारे में बोलूंगा एक दो तरीके इसके, देखो ये कोई फंक्शन है, चलो इस तरह मैं लूंगा एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, कोई मुझे बोलेगा क्या ये होमोजीनियस है, मैंने फंक्शन को देखा और मैंने बोला हाँ इट इज होमोजीनियस, कैसे देखो फिर चेक करेंगे, x के ऊपर डिग्री क्या है 2, यहां इन दोनों वेरिएबल्स की डिग्री ऐड करो क्या बन गई 2, मतलब इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, मीन्स इट इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, अगर किसी को ये नहीं आएगा ना, इस तरह जाइए डेफिनेशन से जाइए, सर जहां पे x है ना वहां पे लेमडा x अप्लाई करूंगा, जहां पे y है ना वहां पे लेमडा y अप्लाई करूंगा, हाँ वही तो करना है, देखो यहां है ना x, x के बदले आएगा लेमडा x स्क्वायर प्लस, फिर से है ना x आएगा लेमडा x, y है ना आएगा लेमडा y, यहां देखिए बन गया ना लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर x y, दोनों में से लेमडा स्क्वायर बाहर निकालिए, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहां इसके बदले वापस जाओ फंक्शन में, ये है ना, मतलब क्या मिल गया आपको लेमडा स्क्वायर f ऑफ x कामा वाई, सर f ऑफ लेमडा x कामा लेमडा वाई मुझे मिल गया लेमडा स्क्वायर f ऑफ एक्स वाई, मीन्स यस दिस f ऑफ एक्स वाई इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू, एक और एग्जाम्पल दूंगा उसमें आप चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इज इट होमोजीनियस, नो नहीं है, बिकॉज होमोजीनिटी डिपेंड्स अपॉन द डिग्री, आप देखिए डिग्री सेम होनी चाहिए, लेकिन इस केस में देखिए यहां की डिग्री देखो 2 है, इस वाले की डिग्री देखो 1 है, सर इस वेरिएबल की डिग्री 2, इस वेरिएबल की डिग्री 1, माइनस लेमडा ए कॉमन निकलेगा, लेकिन एक लेमडा वहीं पर रुकेगा, माइनस सर इट्स नॉट होमोजीनियस, क्योंकि यहां से लेमडा जो होगा ना, जो हमारा स्केलर होगा, वो पूरी तरह से फंक्शन से बाहर नहीं आने वाला, कैसे चेक करेंगे आप,
f of lambda x lambda y, lambda x square plus lambda y बनेगा lambda square x square plus lambda y. एक lambda बाहर आएगा, यहां दो यहां एक, एक को हमने बाहर निकाला, अंदर बचेगा lambda x square प्लस आएगा y. बोलो क्या मैं इसके बदले लिख सकता हूं f ऑफ x कमा y? नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता. x स्क्वायर ठीक था प्लस y ठीक था, लेकिन इस लैम्डा को क्या करूं, मतलब इसके बदले मैं f ऑफ x कमा y नहीं लिख सकता. अगर मैं नहीं लिख सकता मीन्स इट्स नॉट होमोजीनियस, नॉट होमोजीनियस, ये होमोजीनियस है ही नहीं. मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन. एक और एग्जाम्पल देखिए, इसको देखिए, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय वाई, इज इट होमोजीनियस? मैं बोलूंगा यस इट इज होमोजीनियस. Yes, exactly. This is homogeneous. और इसकी homogeneity की डिग्री क्या होगी? 2 होगी. देखो कैसे, इस वेरिएबल की डिग्री क्या है? 3. इन दोनों की डिग्रीज को एड कीजिए, मल्टीपल में है ना, डिग्रीज एड हो जाती है. 2 प्लस 1 बनेगा 3. इसकी भी डिग्री 3, इसकी भी डिग्री 3. मतलब अगर मुझे ऊपर से बाहर लेना होगा लैम्डा, क्या बाहर आएगा सर? लैम्डा पावर 3 बाहर, और अंदर बचेगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर y. आप कीजिएगा यही आएगा. डिवाइडेड बाय, सर यहां एक ही वेरिएबल है ना y, लेकिन y के बदले हमने देना है लैम्डा y, लैम्डा y. अब देखिए एक लैम्डा इनमें से एक के साथ कैंसिल, बन गया ना लैम्डा स्क्वायर और वापस आ गया ना f ऑफ x कॉमा y. मीन्स हाँ, लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कमा वाई मीन्स दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2. इट्स इट्स डिग्री है, इट्स इट्स डिग्री, हाँ ये इसकी डिग्री है, चेक करना आना चाहिए. इज दिस होमोजीनियस? इज इट होमोजीनियस? चेक करेंगे आप लोग. वीडियो को पॉज कीजिए और फिर बोलिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कंटिन्यू बोलना है. इज इट होमोजीनियस? नहीं है. अब मसला है सर, डिग्री तो सेम है, व्हाई नॉट? देखो कि इसकी डिग्री 1 है, मतलब मैं लिख सकता हूं लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, मतलब मैं लिख सकता हूं लैम्डा स्क्वायर बाहर होके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सर आ गया ना, एक और एक खत्म हो गया. इट इज एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आएगा, आप चेक कीजिएगा. हाँ, अब इस लैम्डा को ऊपर लीजिए, लैम्डा पावर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स कमा वाई. सर आ गया ना, आपने बोला नहीं है, है ना यहां पे? यहां देखिए इस सिकेलर की डिग्री देखो नेगेटिव है, सिकेलर की डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, स्केलर की डिग्री हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए. अगर मैं भूलूंगा ना, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव. पॉजिटिव गलत है, पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव. और बीइंग मैथमेटिशियंस आपको पता है नॉन नेगेटिव क्या होता है. नॉन नेगेटिव मीन्स सारे पॉजिटिव, 1, 2, 3 अगर होगा इंक्लूडिंग 0, अगर 0 भी इसका पावर होगा तब भी ये होमोजीनियस है. और आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, सॉल्व जो करने हैं ना आपको क्वेश्चंस, उनमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन उस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 0 है, क्योंकि आप लोअर क्लास के बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, इसीलिए डिग्री 0 है. ठीक, फिर हम आगे जाके मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम आगे जाते हैं. सेकेंड ईयर में भी, मतलब फोर्थ सेम में भी नहीं आता है, पीजी में हम डिग्री हायर पढ़ते हैं, मतलब एमएससी में मैंने पढ़ा है, जब होमोजीनियस होगी लेकिन डिग्री कुछ हायर होगी, 0 से ज्यादा, 1, 2, 3 वहां हमने पढ़ा है. हाँ, अब देखिए, अब कोई मुझे बोलेगा सर जरा डिग्री 0 की एग्जांपल एक दीजिए. हाँ,
फिर भी अगर कहीं पे किसी को डाउट है ना, डाउट पूछा करो, डाउट शासन। हाँ देखो मैं दूंगा एग्जांपल, इसको चेक करो, x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स, इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो। देखो कैसे, मैं जो एग्जांपल्स दे रहा हूं ना, आप कॉपी पे लिख के रखेंगे। कीजिए लेमडा अप्लाई, एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल, सर लेमडा बाहर आएगा एक्स प्लस वाई, नीचे से भी आएगा लेमडा एक्स, लेमडा लेमडा खत्म होगा, वहां पे खाली मिलेगा एफ ऑफ एक्स कामा वाई, क्योंकि इस वाले के बदले एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स के बदले आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स कामा वाई। लेमडा खत्म हो गया ना, अगर लेमडा नहीं है मैं लिख सकता हूं ना लेमडा पावर जीरो, बट इस लेमडा पावर जीरो, इट इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, यही आपको सॉल्व करनी है। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यह है होमोजीनियस की डेफिनेशन, होमोजीनियस फंक्शन। मैंने नहीं बोला होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने सिंपली बोला होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाद में आएगी, फिलहाल होमोजीनियस, होमोजीनियस डिग्री सेम होनी चाहिए, डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर डिग्री सेम, आप सीधे गेस कीजिएगा, एग्जाम्पल से मैं गेस करके बताऊंगा। देखो फंक्शन है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई, इज इट होमोजीनियस? करना कुछ नहीं है मुझे, सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली मुझे बोलना है। अगर होमोजीनियस है तो फिर इसकी डिग्री क्या है, अगर नहीं है तो बोलो जल्दी से। मैं क्या करूंगा, टू प्लस वन थ्री, टू प्लस वन थ्री, हाँ न्यूमिनेटर की डिग्री सेम है, मतलब थ्री है ना डिग्री, ऊपर से लेमडा क्यूब बाहर आएगा, डिवाइड बाई नीचे डिग्री क्या है वन एंड वन टू, क्या आएगा बाहर लेमडा पावर टू, दो इसमें से तीन में से दो के साथ कटेंगे, वहां पे खाली क्या मिलेगा लेमडा पावर वन। यस इट इज द होमोजीनियस ऑफ डिग्री वन, हो गया। वही करना है जितना ऊपर सेम होगा, लेकिन इसके बारे एक्स ये लिखा, ये देखो ये देखो, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई। कोई मुझे पूछेगा इज इट, मैं बोलूंगा नो नहीं है। वाई देखो क्यों, मुझे चेक कुछ करना है, टू प्लस वन डिग्री थ्री, वन प्लस वन टू, इसमें थ्री डिग्री इसमें टू डिग्री, कहां होमोजीनियस होगी, कहां सेम आएंगे, नहीं आएंगे। अगर ये सेम नहीं आए ना, मैंने सेड इट्स नॉट होमोजीनियस फंक्शन, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट होमोजीनियस फंक्शन सारा, लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन मैं बोलूंगा आपको होमोजीनियस हम और किस तरह दिखाते हैं। देखो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कामा वाई और मुझे इसको दिखाना है इट इज होमोजीनियस, अभी आपने देखा एक है लेमडा पावर, ठीक, माइनस अगर इसमें होगा एफ ऑफ एक्स में होगा एफ ऑफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इज इक्वल लेमडा पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई, देन एफ ऑफ एक्स इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, ठीक। एक और इसका तरीका ये है, एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ इट कैन बी रिटन एज वाई पावर एन जी ऑफ वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स। ये एक और तरीका है, दैट्स अगर मैं एक फंक्शन को लिख सकता हूं y पावर n g ऑफ y बाय एक्स, यहां फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम मैंने रखा g, जरूरी नहीं है लेकिन y पावर n कॉमन आना चाहिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड f ऑफ, यहां पे f ऑफ x कमा वाई, यहां पे भी होमोजीनियस है और यहां पे भी इसकी डिग्री n है, सिर्फ एक चीज में प्रॉब्लम है,
यहां लेमडा पावर एन था, यहां वाई पावर एन होगा, और यहां पे आपका एफ ऑफ एक्स कामा वाई, यहां पे आपको मिलेगा जी ऑफ वाई बाई एक्स, बाकी कुछ नहीं है। दिस इज अगेन द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। एक और तरीका है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई को हम कब बोलेंगे इट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन, इफ इट कैन बी रिटन एज। अब कौन सा वेरिएबल बाहर है? हाँ, अभी मैंने y बाहर रखा था, ऊपर मैंने रखा y डिवाइड बाय x, अभी मैंने x को बाहर रखा, ऊपर लिखूंगा g ऑफ x बाय y। ये भी है होमोजीनियस, सिर्फ फंडा एक है, यहां लैम्डा हमने ले लिया, यहां पे y पावर n आना चाहिए, यहां पे x पावर n, y पावर n यहां y बाय x, x पावर n यहां x बाय y, ये है होमोजीनियस। हाँ, यही है होमोजीनियस। अब आप चेंज भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है आप यहां जी ले लो, आप यहां एच भी ले सकते हो, ये सब है, बस ये सारे हैं। अगर कोई अब आपको इस बेसिस पे बोलेगा क्या ये होमोजीनियस है, हाँ है, बोलिए इसकी डिग्री क्या है, टू है ना, वाई हमने बाहर निकाला, उसकी डिग्री क्या है, टू, दिस इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री टू। कोई अगर आपको बोलेगा क्या ये होमोजीनियस है, हाँ है, बोलिए इसकी डिग्री क्या है, y मत है, हम लिखेंगे y पावर जीरो, इट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो। वो पहला वाला सूटेबल केस है, आप उसको कीजिएगा, लेकिन इनको भी याद रखिए कि होमोजीनियस होता क्या क्या है। मीन्स अगर आपको कहीं ऑब्जेक्टिव्स में आ गया इज इट होमोजीनियस एंड व्हाट्स इट्स डिग्री, यस इट इज होमोजीनियस एंड इट्स डिग्री इज n, लेकिन याद रखना है x बाय वाई नहीं होना चाहिए, y बाय x होना चाहिए। ये हम आगे जाके पढ़ते हैं, फिर हम आगे जाके यूलर्स में पढ़ते हैं, मीन्स फर्स्ट ईयर यानी इंजीनियरिंग फर्स्ट सेम सेकंड सेम में उसमें आता है, वहां पे हम ये पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल वाला केस ये है, ये सिंपल नहीं है, मैं वहां जब मैं फर्स्ट ईयर पढ़ाता हूं ना, मैं यही कंसेप्ट वहां पे भी फॉरवर्ड करता हूँ, वाई ये फॉलो हो जाता है, और ट्वेल्थ में जो आप फॉलो करेंगे ना ये जिंदगी भर फॉलो होता है, इसमें ये टेंथ जैसा नहीं है, टेंथ तक ये था चेंज हो गया ना, जो आप यहां कर रहे हो सारा कुछ वही है, सिर्फ रूल्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, एक्स्ट्रा रूल्स आ जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब अगर आपके पास कोई होमोजीनियस फंक्शन होगी, हम उस होमोजीनियस फंक्शन को कैसे, पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा हम उस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अब है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो डेफिनेशन इसकी ये है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स द होमोजीनियस फंक्शन, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें होमोजीनियस फंक्शन होगी इज कॉल्ड द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब समझेंगे, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है, वो मैंने इंट्रोडक्शन में, जिसने नहीं देखा वो जाके देखिएगा उसको, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें फंक्शन होगी, लेकिन वो फंक्शन होनी चाहिए होमोजीनियस फंक्शन, उसमें फंक्शन होगी और वो फंक्शन होमोजीनियस होनी चाहिए, मतलब मैंने लिया ना डीवाई बाई डी एक्स, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू, अगर मैंने बोला x प्लस वाई, ये कौन सी फंक्शन है, यहां राइट, इसको छोड़िए, यहां देखिए इसकी भी डिग्री वन, इसकी भी डिग्री वन, मीन्स दिस इज होमोजीनियस। अगर आप इसका नाम रखेंगे ना f ऑफ x कामा वाई, x प्लस वाई, फिर चेक करेंगे आप क्या ये होमोजीनियस है, हाँ ये होमोजीनियस है, और इस होमोजीनियस की डिग्री होगी वन, मीन्स दिस होल डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स अ होमोजीनियस फंक्शन, देयरफॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
इसी को हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन होगी और वो फंक्शन होमोजीनियस होगी, देन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, कोई मुझे ये पूछेगा वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इज इट होमोजीनियस? देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस डीवाई बाई डी एक्स को सेपरेट रखना है, इसके साथ किसी को नहीं रखना है एक्सेप्ट कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हम रख सकते हैं, ये जो वाई है ना इसको डिवाइड कीजिए, बनेगा ना डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई। अब ये फंक्शन बन गई, ये सेपरेट हो गया ना, ये फंक्शन बन गई। इस फंक्शन को चेक करो, इज इट होमोजीनियस? हाँ है होमोजीनियस। आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वाई, देन लैम्डा अप्लाइड, वहां से लैम्डा पावर जीरो बाहर आएगा। दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, मीन्स होल इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो, बिकॉज इस डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस फंक्शन है। अगर इसमें होमोजीनियस फंक्शन है तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी होमोजीनियस, याद रखेंगे आप। होमोजीनियस फंक्शन मैंने अभी डिटेल में बोला, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें होमोजीनियस फंक्शन होगी, ठीक। और आपको हमेशा मिलेगा डिग्री जीरो डिग्री जीरो डिग्री जीरो, इन्हीं को सॉल्व करना है। मैं आपको एक जनरल रूल दिखाऊंगा, जनरल तरीका मैं दिखाऊंगा, देखो यहां से देखिए। चलो मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूं, डी वाई बाई डी एक्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मीन्स दिस इज होमोजीनियस फंक्शन, और इट्स इक्वल टू जी ऑफ वाई बाई एक्स। इस होमोजीनियस को पता है इसकी भी डिग्री जीरो है, इसकी भी डिग्री जीरो है, बिकॉज यहां पे लैम्डा पावर जीरो, यहां पे होगा वाई पावर जीरो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर कोई भी बोलेगा ना आपको, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ ये होमोजीनियस है, क्योंकि अभी मैंने होमोजीनियस में बोला ये भी आता है और जी ऑफ वाई बाय एक्स भी आता है। इसके आगे अगर लैम्डा होगा, उस लैम्डा का पावर जीरो, यहां पर भी लैम्डा का पावर जीरो। अगर आपको पता चल गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, अब इसको सॉल्व करना है, इसको लीव करता हूं, इस वाले को सॉल्व करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई बाई एक्स, इसको मैं सॉल्व करके दूंगा, दिस इज होमोजीनियस। हाँ, और ये किस में होमोजीनियस है? इट इज होमोजीनियस इन वाई। जब भी कहीं पर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी होमोजीनियस इन वाई, देन यू मस्ट सबस्टिट्यूट पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, होमोजीनियस इन वाई बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर आ गया ना डी एक्स बाई डी वाई, तो फिर वो होगी होमोजीनियस इन एक्स, यहां पे है होमोजीनियस इन वाई। होमोजीनियस इन वाई के लिए पुट हमेशा करना होता है वाई इज इक्वल टू वी एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल वी बाहर, एक्स की डिफरेंशिएशन वन बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, प्लस एक्स बाहर वी की डिफरेंशिएशन आएगी डी वी बाई डी एक्स। अभी तक मेरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, मैंने उसमें पुट कर दिया वाई इज इक्वल टू वी एक्स, फिर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मुझे आ गया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको उठाइए और यहां सब शुरू कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन में वापस जाना है, डी वाई बाई डी एक्स के बदले अब मैं क्या दूंगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल, यहां पे क्या था जी इंटू वाई, वाई के बदले वैल्यू क्या है वी एक्स, यहां पर वैल्यू छोड़ना है डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स और एक्स कैंसल, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ
वी, वो है ना फंक्शन ऑफ वी, जी ऑफ वी मीन्स फंक्शन ऑफ वी, ये वी भी है ना इसी का, इसको शिफ्ट करो, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल जी ऑफ वी माइनस वी। इस सेटअप को देखिए, गौर से देखिए, मैंने क्या कर दिया, जी ऑफ वी, वी वाले वेरिएबल्स मैंने राइट में ले लिए, एक्स वाले मैंने लेफ्ट में ले लिए, अब मैं आराम से कर सकता हूं ना वेरिएबल सेपरेबल। अब करना है इसमें वेरिएबल सेपरेबल, करो वेरिएबल सेपरेबल। देखो डी वी इसी तरह है ना, इसको डिवाइड होगा वी वाले वेरिएबल्स, दैट्स जी वी माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। यहां पे मैंने वेरिएबल सेपरेबल कर दिया, होमोजीनियस यहां पे खत्म हो जाता है, फिर वेरिएबल सेपरेबल। अब यहां से भी इंटेग्रल, यहां से भी इंटेग्रल, और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी। यही है होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। और याद रखेंगे, जब होमोजीनियस इन y होगी ना, y इज इक्वल टू वी एक्स, उस टाइम हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, और अगर होमोजीनियस इन x होगी उस टाइम हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई। अगर x में होगी मतलब डी एक्स बाई डी वाई में कोई आ गई, होमोजीनियस है, देन एट दैट टाइम x इज इक्वल टू वी वाई, एट दिस टाइम y इज इक्वल टू वी एक्स। बस इतना याद रखना है। अब जो भी होगा ना, इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करता है, लेकिन सीखते असल में किस से है, क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर मैं दिखाऊंगा इसमें सारे, मैंने ये दिखाया, इस पे हमें क्वेश्चंस भी है, और वो भी मैं करूंगा। एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आसान सा, ऑलमोस्ट दो तीन दिनों में मैं खत्म कर रहा हूं चैप्टर। हाँ, क्वेश्चन आपका, चलो मैं बुक का क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर टू, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले इसी को पकड़ा, दैट्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स। सबसे पहले आपको चेक करना है इज फंक्शन द होमोजीनियस, क्या फंक्शन होमोजीनियस है, अगर होमोजीनियस होगी फिर आपको चेक करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी फिर सॉल्व। देखो मैं एक क्वेश्चन में पूरा प्रोसीजर दिखाऊं। सबसे पहले आप देखेंगे सर, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स। नाउ एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई डिवाइडेड बाय लेमडा एक्स, ठीक, दैट इज लेमडा बाहर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय लेमडा एक्स, खत्म, बनेगा लेमडा पावर जीरो एफ ऑफ एक्स कामा वाई। आ गया ना लेमडा पावर, एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा पावर जीरो एफ ऑफ एक्स कामा वाई। वापस मीन्स यस, दिस फंक्शन इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, इट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो। अगर ये होमोजीनियस है ना ऑफ डिग्री जीरो, तो फिर आपको करना क्या है, होमोजीनियस आपको मिल गई, अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पहले रिपीट कीजिए, वाई डैश के बदले मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स। अब सॉल्व कीजिए, होमोजीनियस है ना, अभी मैंने बोला किसमें होमोजीनियस है, ऊपर वाई है ना, वाई में, मीन्स आप पुट करेंगे सर वाई इज इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी बाहर एक्स की डिफरेंशिएशन वन प्लस एक्स बाहर वी की डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स, हो गया। अब
डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां पे डी वाई बाई डी एक्स था उसके बदले क्या लिखेंगे, वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स पुट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, पुट इन डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स यहां पे है, इसके बदले क्या लिखेंगे, वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स प्लस वाई के बदले क्या आएगा, वाई के बदले ऊपर है ना वी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक, वी प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स इज इक्वल, ऊपर से एक्स कॉमन वो इस एक्स के साथ खत्म, ठीक, v प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी, इस v को वहां शिफ्ट करो, जब आप इस v को यहां लाओगे ना ये v और ये v खत्म, x डीवी बाय डी एक्स किसके बराबर आ गया वन, नाउ डू वेरिएबल सेपरेबल, v वाला कोई वेरिएबल है ही नहीं मतलब dv अपना वापस इज इक्वल टू आएगा डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, नाउ इंटीग्रेट, क्या इंटीग्रेट, आप सेकेंड शॉट ले सकते हो या आप कॉपी कर सकते हो, वीडियो पॉज कीजिएगा मैं कंटिन्यू करता हूं। यहां खत्म, v इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाय एक्स दैट्स लॉग ऑफ एक्स प्लस आएगा c, लेकिन हमारी जो फंक्शन थी ना x एंड y में थी, ये वाला किस में आ गया v में, v को अपना वैल्यू यहां से वापस दो, v इज इक्वल टू y बाय एक्स, y बाय एक्स इज इक्वल लॉग ऑफ x प्लस c, y को निकालिए x log x प्लस c x, ये होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, ये है होमोजीनियस सॉल्व करने का तरीका। अब इस कीजिएगा इनको जो जो आएगा और मुझे बोलिएगा, बाकी जो इसके क्वेश्चंस है ना क्वेश्चंस मैं इसके इंशाल्लाह कल करूंगा, कल भी 40 हाँ कल मैं प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो और कल मैं इसके क्वेश्चंस करूंगा और इसको खत्म करेंगे, इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, फिलहाल आप इसको कीजिएगा जितना है और जो मैंने बोला ना वही करेंगे आप, हर किसी क्वेश्चन में यही अप्लाई करना है, पहला हो सिर्फ एक्सेप्ट इसमें क्वेश्चन एक आ रहा है दैट्स 10th one वो नहीं आएगा बिकॉज उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी होमोजीनियस बनेगी बट होमोजीनियस इन एक्स, बाकी हर किसी में होमोजीनियस इन वाई, हर किसी में होमोजी, वही हर बार आप इतना नहीं करेंगे आप, अब आप हर किस केस में चेक करोगे इट इज होमोजीनियस ना, अब क्या करेंगे आपने देखा ना डिग्री सेम आ रही है, यस इट इज होमोजीनियस, लेकिन अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आ गया तो फिर आप लिखेंगे सारा कुछ प्रोसीजर करेंगे, और घर में हम कैसे करते हैं, चेक किया हाँ आपको समझ आ गया नजरों से समझ आ गया हाँ इट इज होमोजीनियस, कीजिए होम वाई इज इक्वल टू वी एक्स या एक्स इज इक्वल टू वी बाय, कल मैं दिखा रहा हूं बाकी क्वेश्चन वो आप देखिएगा, चलो थैंक यू।